नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ लाइव 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। बांदा में बुंदेलखंड इंसाफ ने पेयजल समस्या को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष एस नोमानी ने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया है और हमारी मांग है कि सातों जनपदों में विभिन्न जन समस्याओं एवं जल संकट समस्या को देखते हुए ऐसा कदम उठाया गया है। अगर 23 मई तक जल संकट दूर नहीं हुई तो हम लोग जनता के साथ मिलकर रोड पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। केन, बेतवा, बागे, चंबल जैसी बड़ी नदियां होने के बावजूद भी बुंदेलखंड पानी के लिए तरस रहा है। इन नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए, जिससे जल संकट समाप्त हो। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। कि बांदा ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में पानी की बहुत ही गंभीर समस्या है। ये दसियों साल से ये मामला चलता हुआ आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी न तो शासन प्रशासन द्वारा एक भी किसी भी तरीके का ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आज पूरा बांदा, पूरा बुंदेलखंड बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। अगर इसके खिलाफ अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, पानी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो बांदा बुंदेलखंड एक रेगिस्तान बन सकता है। इसलिए हम लोग बांदा प्रशासन के माध्यम से हम लोगों ने आज ये मांग की है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मतदान के लिए पूरी आप लोगों ने जान की बाजी लगा दी थी, ठीक इसी तरीके से आप लोग भी पानी के मुद्दे को उठाइए, ताकि जो बांदा की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, तो ये तरसना इनके लिए बंद हो जाए और घर घर तक पानी पहुंच जाए। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन के सामने आए। ये केन नदी का खदान है, वहीं पे यहाँ प्रशासन काम हालांकि करवा रहा है हर तरीके से पूरा मामला पानी के लिए, वही हम लोग ज्ञापन देने के लिए। क्या लगता है कि पानी की जो समस्या हुई है उसका उनके मुख्य कारण क्या है, क्या हो सकते हैं? इसलिए कि इस मामले को गंभीरता से प्रशासन ने नहीं लिया, न तो शासन ने लिया। काश अगर इस मामले को गंभीरता से लिया गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, जिस तरीके से बांदा की जनता जो दर बदर की ठोकरें खा रही है और हम लोग को रोड पर उतरना पड़ रहा है। ये हम लोग की मजबूरी है। सिर्फ सिर्फ बांदा की जनता के लिए हम लोग जो है हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस आवाज को हम लोग बुलंद करें, ताकि शासन प्रशासन जो जल्दी से कोई न कोई बड़ा ठोस कदम उठा सके और यहाँ की जो जनता की समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज।